दोस्तों, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। अमित और ब्रमित क्या नाम है? वाह वाह, बस साउंड करने के लिए सेम, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई नहीं। अमित और ब्रमित ने स्टार्ट करा है बिजनेस 1 अप्रैल 2022 को। इनकी जो कैपिटल्स थी वो थी 15 लाख और 9 लाख रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 1 अक्टूबर 2022 को उन्होंने डिसाइड किया कि जो उनकी कैपिटल है ना, अब वो 12 लाख ईच हो जानी चाहिए, 12 लाख दोनों की 12-12 लाख होनी चाहिए। और नेसेसरी एडजस्टमेंट्स कर दी गई थी कैपिटल्स में बाय इंट्रोड्यूसिंग और विड्रॉइंग बाय चेक। यानी कि जैसे देखो, अमृत है उसकी क्या थी, अमित की 15 लाख थी पहले कैपिटल, उसको अगर 12 लाख अपनी कैपिटल करनी है तो 3 लाख वो निकाल के ले जाएगा। और इस बंदे की 9 लाख थी पहले, और उसे अगर अब 12 लाख करना है तो 3 लाख वो लेकर आएगा। यानी कि इंट्रोड्यूस करा और विड्रॉ करा जैसी जिसकी सिचुएशन थी उस हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है। कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालो इस साल का, दैट इज 31 मार्च 2023 का। इसके लिए मेरा एक सिंपल तरीका है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आए या कितना भी सिंपल, एक टाइम मैप बना लो। साल की शुरुआत कब हुई है, 1 अप्रैल 2022 को। देखो यहाँ पे ईयर की शुरुआत हुई है, कैपिटल कितनी है अमित और ब्रमित का, ये है 15 लाख, ये है 9 लाख। 1 अक्टूबर 2022 तक ये सेम टू सेम रही थी कैपिटल, बट 1 अक्टूबर को क्या हुई, अमित की हो गई 12 लाख और ब्रमित की भी हो गई 12 लाख। क्या बिल्कुल यही है? और फिर 31 मार्च 2023, और कोई चेंज बीच में नहीं आया है, यहाँ पर बात रुक गई। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम है। भाई जितनी कैपिटल रहेगी जितने टाइम के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसी पे दिया जाएगा। बिल्कुल, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है दोनों का। तो देखो, सबसे पहले मैं अमित की बात करूँगा, दो पीरियड्स में डिवाइड कर देंगे। दो तरीके हैं वैसे इसको करने के, मेरा वाला तरीका मुझे ज़्यादा पसंद है इसलिए मैं वो वाला तरीका करा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं क्या करूँगा, दो पीरियड्स में तोड़ दूंगा, एक यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। तो अमित का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहा हूँ पहले 1 अप्रैल 2022 से लेके 1 अक्टूबर से एक दिन पहले हम लिखेंगे, यानी कि 30 सितंबर 2022 तक। फिर 1 अक्टूबर 2022 से लेकर 31 मार्च 2023 तक, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, मैंने दो पीरियड डिवाइड कर दिए। अब ज़रा ध्यान से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। यहाँ पे 15 लाख है कैपिटल, तो 15 लाख इंटू में 8%, बिल्कुल वो जो सिंपल इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला होता है बिल्कुल वैसे ही, कि 15 लाख की कैपिटल पे 8% इंटरेस्ट मिलेगा कितने मंथ्स के लिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरा सितंबर, यानी कि 6 महीने के लिए, 6 महीने के लिए यहाँ पे इंटरेस्ट मिलेगा। फिर आगे का जो दो ये वाला पीरियड है, इसमें कैपिटल कितनी हो गई है 12 लाख, तो 12 लाख का कितना परसेंट इंटरेस्ट होगा बेटा, 8% इंटू में कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का ही, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 1 अक्टूबर है अगर, तो 1 अक्टूबर से मार्च की तरफ जाएंगे तो अक्टूबर इंक्लूड होगा ना, बिल्कुल इंक्लूड होगा। अब इसको कर दो आप सॉल्व, तो हो जाएगा 15 लाख इंटू में 8% इंटू में 6 / 12, दिस कम्स एट 60,000। दूसरा है 12 लाख इंटू में 8% इंटू में 6 / 12, दिस कम्स एट 48,000। IOC टोटल कितना हो जाएगा इनका, 60,000 प्लस 48,000, दिस प्लस दिस इज 1,08,000। खत्म, आंसर 1,08,000 आ गया। आई होप आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी। इसी तरीके से हम लोग किसका निकाल देंगे, दूसरे वाले पार्टनर का। दूसरे पार्टनर का नाम क्या है, ब्रमित। ब्रमित का IOC हम निकालेंगे पहले 1/4/22 से लेके 30 सितंबर 2022 तक। फिर हम निकालेंगे 1 अक्टूबर 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। सबसे पहले 9 लाख पे, 9 लाख की कैपिटल पे 9 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12, वही 6 मंथ। और फिर यहाँ से इसकी 12 लाख हो गई है, तो 12 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12, बस ख़त्म। 9 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12, दिस कम्स एट 36,000। फिर 12 लाख इंटू में 8% इंटू में 6/12, दिस कम्स एट 48,000। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 36,000 प्लस 48,000, 84,000। 84,000 इज द आंसर। क्वेश्चन होता है कंप्लीट, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब आगे इससे भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे, बट इसे थोड़ा ध्यान से समझना। मोली और भोली दो पार्टनर्स हैं,
जो कि 20,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स कैपिटल। दे डिसाइडेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 6% पर एनम। इन्होंने कहा कि भाई हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेंगे 6% पर एनम, ठीक है ना। उनका जो रिस्पेक्टिव शेयर था वो 2:3 था, यानी कि 2:3 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, और जो इनका प्रॉफिट था इस साल का वो 1500 रुपये था। कह रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट शो करना है। याद रखना जब भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात आ रही है तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट या P&L अकाउंट एज द केस में भी आपको बनाना होता है, ठीक है ना। तो अब इसमें दो केसेस हैं। केस वन, व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि ये कह रहा है कि कोई एग्रीमेंट नहीं है एक्सेप्ट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इन्होंने एक बात बोली है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ये बात लिखी है पार्टनरशिप डीड के अंदर, बट ये नहीं दे रखा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है या अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानना है। तो एक बात बताओ हम लोग क्या मान के चलते हैं, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमेशा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं, तो इस केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानेंगे, ठीक है ना। तो इसमें हम अगर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मांग रहे हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। आइए दोस्त, अब ध्यान से देखो जितना प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट 1500 रुपए है, बाई साइड में लिख देंगे P&L, जितना भी प्रॉफिट होता है, लो जी 1500 हमने लिख दिया जितना प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बारी आती है, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं। 20,000 मोली की कैपिटल है तो मोली का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा, 20,000 इंटू में 6% यानी कि 1200 हो जाएगा, और भोली जो है उसका कितना हो जाएगा, 10,000 का 6% यानी कि 600। तो इन दोनों का मिलाकर कितना हो जाएगा, 1200 प्लस 600 1800 इनका टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। हम मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1800 है पर प्रॉफिट सिर्फ 1500 है, तो याद करो ये कौन सा केस हो गया है, जब आपका प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस देन होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, ये वो वाला केस है। केस टू का भी जो सेकंड केस होता है उसकी बात हो रही है। अगर प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि 1500 छोटा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तब हम लोग क्या करते हैं, जितना हमारा प्रॉफिट है हम सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1800 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दे सकते क्योंकि सफिशियंट प्रॉफिट नहीं है, ये तो चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा, इसलिए हम सिर्फ 1500 को एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर किसको कितना करेंगे, हाउ डू वी नो दैट, कि 1500 में से किसको कितना देंगे, तो याद रखना हमेशा कैपिटल रेशियो के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे। कैपिटल रेशियो यानी कि ये 20,000 है ये 10,000 है, तो 20,000 रेशियो 10,000, 40 से 40 काटे यानी कि 2:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो इस 1500 को, ठीक है ना। तो 1500 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 1500 निकल कर आएगा, यानी कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा मोली और भोली को। तो यहाँ पे लिखो 2 IOC मोली भोली, 1000 इसे मिलेगा, 500 इसे मिलेगा, 1500 टोटल हो जाएगा, दोनों साइड बराबर हो गई है, कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भी नहीं, बात यहाँ पर होती है ख़त्म। तो याद रखना जब भी हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेटा अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है, और जो प्रॉफिट अवेलेबल है फर्म के पास वो कम होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, तो हम सिर्फ उतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल है, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। आइए अगला केस, व्हेन देयर इज एन एग्रीमेंट दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अ चार्ज। भाई साहब इस बार इन्होंने कहा है कि एक एग्रीमेंट हो रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानेंगे। अगर कोई भी चीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है बेटा तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बन सकता, उस केस में बनेगा P&L अकाउंट। यस और नो, वो सारी चीजें जो भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होती है बेटा वो P&L अकाउंट में डील की जाती है, ना कि P&L अप्रोप्रिएशन में, ये बात आपको पता होगी बिल्कुल। तो IOC और अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान रहे हो तो बेटा आपको बाकी खर्चों की तरह इसे भी फर्क नहीं पड़ेगा कि प्रॉफिट कम है ज्यादा है लॉस है, नहीं, पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा। जैसे पिछले केस के अंदर हमने सिर्फ इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था जितना प्रॉफिट अवेलेबल था, बट यहां पर सिंस ये अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, बिल्कुल आउटसाइडर की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम बेटा पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देंगे, ना कि सिर्फ जितना प्रॉफिट है उतना। तो अब आप क्या लिखोगे, इस साइड में लिखो बाय
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे को 1500 दे ही रखा है, ठीक है जी, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा कितना निकल के आया है 1200 और 600, टू साइड में लिख लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय द वे मैंने P&L अकाउंट बना रखा है, ये याद रखना, ठीक है। आइए, टू IOC मोली और भोली, इसका 1200 है, इसका 600 है, टोटल हो जाएगा 1800, ठीक है ना। अब देखो जरा, सिंपल सी बात है, ये साइड 1500 है, ये साइड 1800 है, तो अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक खर्चे की तरह, 1500 का प्रॉफिट था और हमने 1800 का खर्चा दिखा दिया, तो 300 रुपये का लॉस आ जाएगा, ये साइड छोटी है, 300 रुपये से बाय लॉस ट्रांसफर टू मोली और भोली, किस रेशियो में बांटेंगे बेटा, 2:3, अरे नहीं 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 नहीं, हाँ ये रहा 2:3, जो PSR है, तो 2:3 में 120-180, बात होती है ख़त्म। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, बाय बाय एंड टेक केयर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। अब ये क्वेश्चन कोई कराने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत इजी है। शिव मोहन गोपाल पार्टनर्स हैं, 2:2:1 में बांट रहे हैं। शिव को क्या मिलना है, शिव को मिलना है कमीशन, शिव जो पार्टनर है उसको कमीशन देना है हमें 10% नेट प्रॉफिट का, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है, आफ्टर बिफोर कुछ नहीं, सीधे नेट प्रॉफिट का 10%, और नेट प्रॉफिट कितना है 1,10,000, तो कितना कमीशन पे करेंगे शिव को, तो भैया कुछ नहीं है, शिव्स कमीशन, शिव्स कमीशन इज इक्वल टू 1,10,000 का 10%, 11,000 हमारा आंसर आ जाएगा। बट याद रखना ये शुरुआत है, अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे धीरे धीरे करके मेच्योर बनते जाएंगे और उसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ती जाएंगी, तब आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है ना। बट ये करना ज़रूरी था, बट ऑफकोर्स मुश्किल बिल्कुल नहीं था। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, बाय बाय। तो अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 34। अब ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, इसमें मैं कुछ बातें समझाने की और फिर कुछ रटवाने की बातें बताऊंगा आपको। आभा बॉबी और विनीत पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉसेज ये लोग इक्वली शेयर कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड जो विनीत नाम का बंदा है उसको हमें कमीशन देना है, कितना कमीशन देंगे, 10% देंगे नेट प्रॉफिट का, यहां तक ठीक लग रहा है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। अब ये लाइन का मतलब क्या है, पहली बात जब भी आफ्टर लिखा हूं तब कुछ खटपट होने वाली है, ये समझना है, नॉर्मल नहीं होगा। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब ये जो नेट प्रॉफिट है ये बिफोर चार्जिंग कमीशन दे रखा है 2,20,000, यानी कि जो नेट प्रॉफिट 2,20,000 का दे रखा है ना, बिफोर चार्जिंग कमीशन मतलब इसमें से जो विनीत का कमीशन है वो माइनस नहीं हुआ है, विनीत का कमीशन माइनस नहीं हुआ है, पर हमें जो 10% निकालना है वो किस नेट प्रॉफिट का निकालना है, उस नेट प्रॉफिट का निकालना है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कि जो विनीत का कमीशन है उसे माइनस करके जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% विनीत का कमीशन होगा। अब सुन के आपका दिमाग हिल गया होगा और गुस्सा आ रहा होगा कि सर अगर मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है, मतलब आफ्टर कमीशन निकालना है, तो मुझे कमीशन पता होना चाहिए, और अगर मुझे कमीशन पता करना है तो मुझे नेट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पता होना चाहिए, दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, अगर पहला नहीं निकलेगा तो दूसरा नहीं निकल पाएगा, दूसरा नहीं निकलेगा तो पहला था ही नहीं। इस केस के लिए क्या है, देखो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, विनीत कमीशन, जब भी ये आफ्टर कमीशन की बात की जाए ना बेटा, तो सिंपल सी चीज़ करना, आप जितना नेट प्रॉफिट दे रखा है आपको, जैसे 2,20,000 का नेट प्रॉफिट दे रखा है, उसे मल्टीप्लाई करना जितना रेट कमीशन का है अपॉन में 100 में वही रेट प्लस कर दो। अगर ये 20 होता तो 100 अपॉन में 100 प्लस 20, 5 अपॉन में 100 प्लस 5, एज द केस में भी, तो 2,20,000 इंटू 10 अपॉन में 110, ये हो जाएगा 20,000 हमारा आंसर, खत्म। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, बाय बाय टेक। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट हाँ थोड़ा सा अलग है, इस तरीके से देखेंगे इसे। ABCD चार पार्टनर हैं, 4:3:2:1 में अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है बेटा, नेट प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 दे रखा है इस ईयर का, यानी कि 31st March 2023 एंडेड ईयर का 1,80,000 प्रॉफिट दे रखा है। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को कमीशन मिलना है कितना, 20% ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का 20% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, पार्टनर्स यानी कि सारे पार्टनर्स को मिलेगा, किसी एक पार्टनर को कमीशन नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा, कितना, 20% ऑफ प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर वर्ड दे रखा है। तो क्वेश्चन 34 में जैसे मैंने आपको बताया था, जब भी आफ्टर हो तो 20% है तो 20 अपॉन 120,
10% होता 10 अपॉन में 110, आपका 5% होता तो 5 अपॉन में 105, ये बात आपको याद रखनी होगी, ठीक है ना। और जितना भी ये कमीशन आएगा बेटा 20/120 करके, उसको बेटा 2:3 इसमें हम लोग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि कमीशन का जो जितना आएगा उस कमीशन को हम इस रेशियो में एज कमीशन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ABCD में। अब सबसे पहले समझते हैं पार्टनर्स कमीशन निकलेगा कितना, यह आ जाएगा नेट प्रॉफिट, अगर आपको 180,000 दे रखा है तो इंटू 20/120, ये लोग हम करेंगे इंटू 20/120, ये आ जाएगा बेटा 30,000 का हमारा पार्टनर्स कमीशन आ गया। अब हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि प्रॉफिट कितना है हमारा, 180,000 का हमारा प्रॉफिट है बेटा, यस और नो। जो हमारा नेट प्रॉफिट होता है, बाय P&L लिखो या बाय नेट प्रॉफिट लिखो, एक ही बात है, 180,000। टू साइड में लिखो फिर पार्टनर्स कमीशन, ABCD, चार पार्टनर्स को कमीशन मिलना है। अब देखो कितना कितना मिलेगा, ये जो आया है हमारा बेटा 30,000 का कमीशन, इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है इस रेशियो में 2:3:2:3। तो देखो ये हो जाएगा 30,000 इंटू 2/10, यानी कि 6,000 हो जाएगा A का। फिर वही 30,000 इंटू 3/10, 9,000 हो जाएगा B का। फिर अगले का भी 2 है तो इसका 6,000 हो जाएगा, इसका 9,000 हो जाएगा, टोटल 30,000 हो जाएगा। ये है हमारा कमीशन। और फिर बचा हुआ जो होगा वो प्रॉफिट बेटा ट्रांसफ़र कर देंगे पार्टनर्स में, टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ABCD, इनके कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। किस रेशियो में जाएगा बेटा, पहले प्रॉफिट कितना है टोटल, अगर ये साइड 180,000 है, इस साइड में 30,000 माइनस करेंगे तो 150,000 का प्रॉफिट बचेगा, और 150,000 को हम लोग 4:3:2:1 में बांट देंगे, 150,000 इंटू 4/10, यानी कि 60,000, 150,000 इंटू में 3/10, 45,000, 150,000 इंटू 2/10, 150,000, ये हो जाएगा 15,000, बस खत्म। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन खत्म, क्योंकि इसने क्या कहा है, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को शो करना है। जब भी अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट शो करने की बात करें तो समझ जाओ P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने की बात कर रहा है। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के अंदर, बाय बाय, टेक केयर।